तो अभी हम लोग जलियांवाला बाग में आए हैं, जो आपको पता होगा अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल के बाजू में थोड़ी सी दूरी पे है, 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में है। और यहाँ पर हम अभी गैलरी वन में आए हैं और यहाँ पर टोटल 4 गैलरी है, तो आप चारों गैलरी को विजिट कर सकते हो। तो ये गैलरी वन है और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि कौन सी गैलरी में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बाहर चलता हूँ, ये गैलरी वन में मैंने आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाया। यहाँ पर आज यहाँ के मेयर आने वाले हैं, कोई बहुत बड़े मतलब आने वाले पोस्ट के, और इसके लिए यहाँ पर चारों तरफ पुलिस है और नॉर्मली यहाँ पर पुलिस नहीं रहती है। और अब हम लोग जा रहे हैं गैलरी टू में और यहाँ का मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैंने सुना है कि वीडियो भी दिखाते हैं लोग, मीन्स वीडियो प्ले रहता है, तो हो सकता है कि मैं वो वीडियो को ही पूरा रिकॉर्ड करके इस वीडियो में डाल दूँ, बट देखते हैं आगे क्या होता है, अभी मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। और ये पूरा डिटेल लिखा है कि गैलरी टू में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्या क्या चीज़ रहेगी। और ये अब हम एंटर कर रहे हैं गैलरी टू में और यहाँ पर भाई काफ़ी लोग हैं और ये देखते हैं अभी क्या सीन है। भाई यहाँ पर तो चल रहा है वीडियो जैसा कि मैंने सुना था, ये देखिए वीडियो चल रहा है और आप वीडियो को देखो और एंजॉय करो। भारतीय उद्योगों को युद्ध सामग्री का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया, अनाज की कीमतें बढ़ाई गई, अंग्रेजों ने वफादार राजकुमार तालुका का जहरीला नाम दे किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों की बहादुरी करके अंग्रेजों ने कई लड़ाइयों में जीत हासिल की, सरकारी हजार को वाद लोगों अपनी जान गंवाई, 5,000 तो वादे साक्षी हो, पर सिर्फ 12 उन्हें बहादुरी लई विक्टोरिया क्रॉस में सम्मानित किया गया। फिर भी भारतीय राजनीतिक नेता इस वहम च सन कि भारत नू राजनीतिक तौर पर सहारा जाएगा, पर उन्हें दी ये उम्मीद छेती ही टूट गई जब इनाम के तौर पर अंग्रेजों ने भारत नू दित्ते। भारत की रक्षा के लिए राजद्रोह समिति की रिपोर्ट प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच के अंतर्युद्धों के कारण हुआ, एक ऐसा युद्ध जिसे उपनिवेशों और अन्य देशों पर अधिक जोर दिया गया, जिन्हें भारत की लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये युद्ध ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हम पर थोपा गया, हमारे संसाधनों का उपयोग किया गया, हमारा मेहनत से कमाया धन खर्च किया गया और भारतीयों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया। कई जाने गए और उससे भी अधिक घायल, और ये सब किसके लिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बचाने के लिए। एक ओर जमा भारत का स्वतंत्रता संग्राम गति पकड़ रहा था, दूसरी ओर भारत को जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा युद्ध में घसीटा गया। युद्ध को लेकर भारत में दो अंतर्विरोधी राय थी, कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजों की उदारता में विश्वास करते थे और युद्ध में समर्थन के लिए उन्हें अंग्रेजों से भारत को पुरस्कृत करने की उम्मीद थी। अन्य कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को जानते थे और इसलिए उन्होंने न केवल युद्ध के प्रयास का विरोध किया बल्कि अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को भी जारी रखा। लाखों भारतीयों ने किसी न किसी रूप में इस युद्ध में हिस्सा लिया और इनमें से कईयों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। सबसे अधिक भर्तियां पंजाब से की गई थी और इन सैनिकों को विदेशों में लड़ने के लिए भेज दिया गया था। भारतीय उद्योगों को युद्ध सामग्री के उत्पादन के लिए मजबूर किया गया, अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई और ब्रिटिश के वफादार राजकुमारों, तालुकदारों और जमींदार किसानों का शोषण करने में जुट गए।
भारतीय सैनिकों की बहादुरी के कारण अंग्रेजों को कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त हुई। 47,000 से अधिक लोगों ने अपनी जानें दी, 65,000 से अधिक घायल हुए, पर केवल 12 को ही उनकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस मिला। कई भारतीय राजनीतिक नेता इस भ्रम में थे कि भारत को राजनीतिक रूप से पुरस्कृत किया जाए। वीडियो को आपने पूरा देख लिया होगा जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, और ये जो सीन है यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले जो गोलियाँ चली थी जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड यहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर हमारे यहाँ के काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी ब्रिटिश के लोगों की वजह से। तो ये गोलियों के निशान है जहाँ जहाँ पर चिन्ह बनाया गया, और ये सारे प्रूफ हैं भाई कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। और ये देखो गोली जहाँ जहाँ भी जिस दीवार में लगी है उस चीज़ को बना के रखा गया है।